हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल बालों की झड़ने की समस्या बढ़ती ही जा रही है। ये समस्या हर एक उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। स्ट्रेस, पॉल्यूशन, गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, कई वजह हैं जिसके कारण ये समस्या और बढ़ती ही जा रही है। साथ ही आजकल मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो दावा तो करती है कि आपके बालों की झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन उसमें मौजूद केमिकल आपके बालों को और ही प्रॉब्लम कर देती है। आपके बाल और झड़ने लगते हैं कई बार। तो हमें वैसे चीज़ यूज करने चाहिए जो नेचुरल हो। नेचुरल चीज़ कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैं तो कहूँगी आप हमेशा नेचुरल हेयर मास्क या नेचुरल ही ट्रीटमेंट करें। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा हेयर मास्क बताने वाली हूँ जिससे आपकी हेयर प्रॉब्लम की समस्या दूर होगी। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वो ख़त्म होगी। और गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में हमारे बालों में इस पसीने आते हैं जिसके कारण इचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी प्रॉब्लम दूर होगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज का हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने से पहले हम उसका पानी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक कप पानी गर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे एक कटोरी में पानी ला लेते हैं। जब पानी गर्म हो जाए तब उसमें नीम का पत्ता, कलौंजी और मेथी का दाना डाल देंगे और उसे चलाते रहेंगे। नीम हमारे बालों की इचिंग की समस्या को दूर करेगा और डैंड्रफ नहीं होने देगा। मेथी आप सभी को तो पता है यह बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। मेथी बालों को झड़ने से रोकता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और कलौंजी सिर की त्वचा को ठंडा और खुजली से बचाता है, साथ ही डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और बाल झड़ने से रोकता है। 5 मिनट तक इसे हम कम आंच पे बॉईल करेंगे और गैस बंद कर देंगे। और अब इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं अपना हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग दही ले लेंगे जो खट्टी हो। ताजी दही नहीं लेना है। बालों की ड्राइनेस और डलनेस को दूर करके उनमें नई जान डाल देता है दही, साथ ही डैंड्रफ की परेशानी होती है उसे भी ख़त्म करता है। दही बालों की कंडीशनिंग भी करता है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच भृंगराज, आंवला और ब्राह्मी का पाउडर मिक्स किया हुआ ले लेंगे। मैं यहाँ पे मिक्स करके तीनों को रखी हुई हूँ, तो 2 चम्मच मिक्स किया हुआ ले लेंगे। उसके बाद एक विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे। मैं यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल काट कर डाल दे रही हूँ। विटामिन ई कैप्सूल हेयर मास्क में डालकर यूज करने से बालों पर गजब का असर होता है। इस कैप्सूल में सभी प्रकार के गुण मौजूद होते हैं जो बालों और स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। अब हम इसमें डालते हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप इसमें डालेंगे। यह बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब जो पानी तैयार किए थे उसे छानकर मैंने रख लिया था, अब इसे इसमें डालेंगे। अपने अनुसार डालें जिससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला ना रहे। इसमें नारियल तेल 1 चम्मच डालेंगे ताकि जो पाउडर डाले थे उससे बाल ड्राई ना हो। पाउडर हमारे बालों को ड्राई कर देता है। तो अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा हेयर मास्क अब रेडी है, चलिए इसे बालों पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपने बालों पे अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि
बाल हमारे सुलझे रहें। मैं यहाँ पे अच्छे से अपने बाल कॉम कर चुकी हूँ, तो अब मैं दो भागों में इसे डिवाइड कर लूँगी। मास्क लेंगे और छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करते हुए अच्छे से ऊपर से नीचे तक लगाएंगे। पूरे बाल में हम इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शन में करते हुए अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे नीचे तक अप्लाई करना है, जड़ों में भी पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। मैं पूरे बालों में अप्लाई कर चुकी हूँ, अब इसे मैं बन बना लूँगी। इसे एक घंटे के लिए आप ऐसे ही रहने दें, एक घंटे के बाद इसे माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लें। तो ये था आज का हेयर मास्क, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ब्यूटी टिप्स के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।